लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तिलौथू में पहली बार हुआ सामूहिक विवाह का आयोजन। तिलौथू स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर के प्रांगण में तिलौथू के इतिहास में पहली बार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सर्वजन कल्याण संस्थान के द्वारा किया गया। सर्वजन कल्याण संस्थान के अध्यक्ष योगेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वैसे तो सामाजिक कार्य बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले करना यह एक महायज्ञ के समान है, जिसे मैंने जन सेवा के लिए इसी मार्ग को चुना और हमने सर्वजन कल्याण संस्था के बैनर तले पहले कार्यक्रम में कुल 6 जोड़े वर कन्याओं को वैवाहिक बंधन में बांधने का काम किया। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद तथा झारखंड से कुल 6 वर कन्या जोड़े ने इस सामूहिक विवाह में 7 फेरे लिए। इस अवसर पर तिलौथू के बाबूगंज मैदान में मैट्रिक की मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। छात्र पुरस्कार सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर बैजनाथ सिंह बटोही ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है, इसके बिना देश का विकास संभव नहीं है। शिक्षा सुदृढ़ होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, इसलिए छात्र छात्राओं को शिक्षित करना समाज का परम कर्तव्य है। कार्यक्रम का संचालन राधा शांता महाविद्यालय के खेल प्रशिक्षक प्रोफेसर विनोद सिंह ने किया। मौके पर कृष्ण कुशवाहा उर्फ विधायक जी, नीतीश कुमार, सुनील यादव, शेषनाथ चौधरी, पूर्व प्रमुख कपिल कुमार, जिला पार्षद विमला कुंवर, उषा कुमारी, इंदु देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कि लड़की के पिता आप सभी यथाशीघ्र मंडप में प्रवेश करें।